फैक्ट नंबर एक, गाइस आज भी कई सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग नाभि में तेल से मालिश करने को दकियानूसी मानते हैं, क्योंकि उनको इसके पीछे की साइंस नहीं पता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल हम सभी ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, और वो सभी नाड़ियां हमारे शरीर में सिर्फ एक ही जगह एक साथ मिलती हैं, और वो जगह है हमारी नाभि। या यूं कहिए कि हमारे शरीर में फैली सभी नाड़ियों की जड़ सिर्फ एक ही जगह है, और वो है नाभि पर। और जब हम किसी भी पौधे के जड़ की देखभाल अच्छे से करते हैं, तभी पूरा पौधा स्वस्थ रहता है। इसलिए आयुर्वेद में नाभि की मालिश करने का बहुत बड़ा महत्व है। इससे शरीर की हर नाड़ी स्टिमुलेट हो जाती है, और इसका फायदा हमारे पूरे शरीर को मिलता है। फैक्ट नंबर दो, गाइस अगर आपकी आईसाइट वीक है और अगर आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक सिंपल तरीका है, जिसे फॉलो करने के बाद आपकी आईसाइट डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप उठकर सबसे पहले अपने मुंह में पानी भरें और फिर ठंडे पानी से अपनी आंखों को अच्छे से धोएं। ऐसा लगातार हर दिन करने पे आपकी आईसाइट धीरे 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 इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। गाइस क्या आप भी खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने के तुरंत बाद फल खाते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। जी हाँ गाइस, हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा होता है, लेकिन जब खाने के साथ हम फल खा रहे होते हैं तो बॉडी में फ्रक्टोज भी बनने लगता है। और जब शरीर में एक साथ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का रिएक्शन होता है, तो हमारा फ्रक्टोज कन्वर्ट होकर फैटी एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, और फिर कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसीलिए अगर आप फल खाना चाहते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट से लगभग एक घंटा पहले खा लें, या फिर लंच और डिनर के बीच किसी टाइम पर खाएं। वैसे गाइज आप किस टाइम पर फल खाते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।